लाइट परफेक्ट है, माइक परफेक्ट है, कैमरा भी परफेक्ट है। हेलो, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस ब्रांड न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है अयास किस्टर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे ही बारे में, यानी कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा आज के इस ब्लॉग में। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सब लोगों का आज के इस ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो इस चैनल की 90% ऑडियंस मेरे को जानती है मेरे मेन चैनल से। मेरा मेन चैनल कौन सा है? अयास ट्रिकिंग, यानी कि उस चैनल के बाद ही मैंने इस चैनल को खोला था और ज्यादातर मेरे जो इस चैनल पे व्यूवर्स हैं वो सारे उसी चैनल के इधर आए हुए हैं। तो आप लोग मेरे को इस बारे में जानते ही होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम अयास किस्टर है, मैं ट्रिकिंग करता हूँ, मैं यूट्यूब पर ट्रिकिंग फ्लिपिंग सिखाता हूँ। हालांकि अब वो वाली लाइन हमने छोड़ दी है और दूसरी लाइन हमने पकड़ ली है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि मेरा नाम क्या है और मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये तो कहानी है अयास किस्टर की, लेकिन जो मेरा असली नाम है यानी कि अयास हुसैन, तो अयास हुसैन की क्या कहानी है वो हम आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो भैया, नाम के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया कि YouTube पे मैं भले अयास किस्टर हूं, लेकिन रियल लाइफ में आपके भाई का असली नाम है अयास हुसैन। और अगर अब हम लोग बात करें कि मैं रहता कहां हूं, तो मैं रहता हूं नवाबों के शहर में, जहां का हर बंदा अपने आप को नवाब समझता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, आई लिव इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और अब अगला सवाल ये बनता है कि अगर तुम भैया लखनऊ में रहते हो, तुम्हारा नाम अयास हुसैन है, ठीक है भैया हमने मान लिया, तो अब ये भी बता दो कि तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो, क्या तुम कॉलेज में हो या तुम स्कूल में हो। तो इसका छोटा सा और सिंपल आंसर यही है कि मैं करंटली स्कूल में हूँ, 12th क्लास में हूँ और मैं कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं कॉमर्स साइड यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली साइड, डेबिट क्रेडिट वाली साइड का स्टूडेंट हूँ। ठीक है भैया, तुम्हारा नाम अयास हुसैन है, तुम लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहते हो, तुम करंटली 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो, वो सब भी ठीक है, लेकिन अब जरा ये भी बता दो कि तुमको करना क्या पसंद है, तुम्हारा पैशन क्या है। तो इसका भी छोटा सा आंसर यही है कि जो दो चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा दिली लगाव है, जिनसे जिसको मैं अपनी मोहब्बत मानता हूँ, और वो दोनों चीज़ों का नाम है, सबसे पहले मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़, जिस चीज़ को करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो है ट्रिकिंग, और दूसरे नंबर पे आता है कंटेंट क्रिएशन। तो अगर बात करें ट्रिकिंग की, जो मेरी पहली मोहब्बत है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा पागल हूं, तो इसको मैं कुछ लफ्जों में ना बताने के बजाय मैं आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा कि मेरी मोहब्बत कैसी है ट्रिकिंग के लिए। तो एक बार की बात हुई थी कि मैं बहुत ज्यादा पागल था अपनी प्रैक्टिस के पीछे। तो एक बार मेरे घर वाले गुस्सा गए, घर वालों में मतलब सभी गुस्सा गए, और खास करके जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया कि अगर तुम ये सब चीज़ें करना नहीं छोड़ोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और मेरे लिए मेरे बड़े भाई बहुत ज़्यादा अहम हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वो एक दिन भी मुझसे हल्का फुल्का डांट भी देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, और वो मतलब आई थिंक मेरी लाइफ का एक बड़ा ही बुरा वाक्य था कि उन्होंने मुझसे एक हफ्ते तक के बात नहीं करी थी। और लेकिन ट्रिकिंग की मोहब्बत अपनी जगह थी, मैं जितना प्यार ट्रिकिंग से उस टाइम करता था उतना ही मैं अभी भी करता हूँ। खैर, एक हफ्ते बाद फिर सब सही हो गया था, मैंने उनको सॉरी वॉरी बोला था और मैंने सब समझाया, गलती वलती जो भी थी मेरी वो मैंने मानी, एंड फिर सब कुछ जो है सॉर्ट हो गया। तो मतलब आप लोग देख सकते हो कि जितना मेरे लिए मेरी फैमिली मेम्बर्स इंपॉर्टेंट हैं, जितना मेरे लिए मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीकी दोस्त इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही मेरे लिए मेरी ये जो ट्रिकिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर एंड में हम लोग बात करें हमारे कंटेंट क्रिएशन की, जो कि मेरी दूसरी मोहब्बत है, लेकिन ये वो वाली चीज़ है, मतलब हर लड़के की लाइफ में एक ऐसी गर्लफ्रेंड होती है जो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, बहुत ज़्यादा खर्चे करवाती है लड़के की जेब से। तो मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन कुछ ऐसी ही चीज़ है जिससे मेरी थोड़ी अनबन बनी रहती है, लेकिन इस चीज़ ने मेरे को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं। मतलब थ्रू कंटेंट क्रिएशन मैं बीइंग अ पर्सन इतना ज़्यादा मैंने कुछ सीखा है जितना आई थिंक मैंने स्कूल में कुछ नहीं सीखा होगा। मतलब जब से मैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आया हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड, पब्लिक से इंटरेक्शन से रिलेटेड, मतलब हर एक जॉनरा के बारे में मेरे को नॉलेज हुई है, मतलब मेरी नॉलेज बढ़ी है थ्रू कॉन्टेंट क्रिएशन। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा सीख दी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं। भले ही ये
खर्चे कराने वाली गर्लफ्रेंड की तरह है, लेकिन फिर भी ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये काम करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सिर्फ और सिर्फ मेन रीज़न यही है कि मेरे को इससे कुछ सीखने को मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। दैट्स वाई आई लव कॉन्टेंट क्रिएशन, आई लव ट्रिकिंग। एंड जैसा कि मैंने अभी अपनी मेन चैनल की वीडियो में कहा था कि मैं कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं ये दो चीज़ों को जब तक के कंटिन्यू कर सकता हूँ तब तक के कंटिन्यू करूंगा। एंड दैट इज इट, यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को देखने में अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे विद अनदर व्लॉग। टिल देन बाय बाय, पीस आउट। तो अभी दो दिन पहले मैंने अपने मेन चैनल पे मेरी कमबैक वीडियो अपलोड करी जिसका नाम था आई लव डूइंग माय आर्ट। तो उसके बाद एक बंदे का मेरे पास डीएम आया, उसने मेरे से पूछा था कि भाई आप कंटेंट क्रिएशन और ट्रिकिंग में प्रायोरिटी ज़्यादा किस चीज़ को देते हो, क्या आप कंटेंट क्रिएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो या फिर ट्रिकिंग को देते हो। तो उसका जवाब मैं वहाँ नहीं दे पाया, मैंने सोचा यहाँ दूंगा। तो उसका जवाब सिंपल सा यही है यार कि देखो, ट्रिकिंग की वजह से मैं कंटेंट क्रिएशन में आया हूँ। अगर मेरे पास ट्रिकिंग ना होती तो शायद मैं यूट्यूब भी ना कर रहा होता, मैं शायद कोई और ही चीज़ में फंसा हुआ होता, शायद मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर रहा होता, या फिर जो ट्रिकिंग से पहले मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था तो शायद मैं क्रिकेट में अपना फ्यूचर ढूंढ रहा होता। तो यही आंसर है कि यार ट्रिकिंग की वजह से कंटेंट क्रिएशन है, ना कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से ट्रिकिंग है। तो ट्रिकिंग इज़ माय नंबर वन प्रायोरिटी एंड देन कम्स द कंटेंट क्रिएशन। बाय बाय।